प्यारे बच्चों, आज आर एस अग्रवाल का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्यूब रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री एंड सिक्स रूट फाइव। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये क्यूब रूट 1 बाई थ्री में होगा, स्क्वायर रूट पावर में 1 बाई टू आ जाएगा और ये 1 बाई सिक्स पावर आ जाएगा। अब इसमें 3, 2, 6 का एलसीएम लेंगे। अब इसके बाद 2 रेस टू पावर, इसको बना देंगे 1 बाई सिक्स, 3 रेस टू पावर 1 बाई सिक्स, 5 रेस टू पावर 1 बाई सिक्स पहले से ही है, लेकिन यहां पर था 1 बाई थ्री पावर में और हमने इसको 1 बाई सिक्स बनाया। तो अगर हम यहां पर स्क्वायर लगा दें तो ये और ये सिंप्लीफाई हो करके 1 बाई थ्री ही बना लेगा, और ऐसे यहां पर अगर हम क्यूब लगा दें तो क्या बना लेगा, 3 टू जा 6, ये 1 बाई टू आ जाएगा फिर से, और यहां पर 1 बाई सिक्स है इसलिए कुछ नहीं करना है। दिस गिव्स 2 स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 4 रेस टू पावर 1 बाई सिक्स, ये होगा 27 रेस टू पावर 1 बाई सिक्स और ये होगा 5 रेस टू पावर 1 बाई सिक्स। सब में पावर सेम है तो ये देखना है कि जो ब्रैकेट में टर्म दिए हैं जिसको बेस कहते हैं ये ग्रेटर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर ये आ रहा है, इसको फर्स्ट पे रखते हैं, सेकंड पर ये आता है और थर्ड पर ये आता है पोजीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला लिखेंगे। नाउ ये जो 27 रेस टू पावर 1 बाई सिक्स था ये रूट थ्री के लिए था, इसका मतलब कि रूट थ्री सबसे बड़ा नंबर होगा इसमें। इससे छोटा सिक्स रूट फाइव होगा और इससे छोटा क्यूब रूट टू होगा। ये इसका फाइनल अरेंजमेंट है।